लगातार खबरों में हमारे साथ तावन किया है। काबा फ्यूजन, अरकांसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जौहर टाउन धमाके के ताने बाने भारत से मिलने पर दुनिया के तमाम ममालिक से बड़ा मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया को बताएंगे भारत किस तरह दहशतगर्दों को फंडिंग करता है। रवा माह तकरीबन 1.5 करोड़ वैक्सीन डोजेज पाकिस्तान पहुँचेंगी, जिसमें से 90% कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी है। जौहर टाउन धमाके कराने वाले शख्स का भारतीय एजेंसी रॉ से ताल्लुक बेनकाब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और मुशीर कौमी सलामती ने आलमी बरादरी से अहम मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में नौजवान ने शादी से इनकार पर लड़की को वालदा के सामने गोली मार दी। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से सियाहत को फरोग देने के लिए कोयटा में टूरिस्ट शटल ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। हासिलपुर तंजीम सईद के नौ मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल बरादरी प्रेस क्लब में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी जिगर गोशा गजाली थे। सऊदी वजारत इंसाफ की जानिब से जारी होने वाले खुसूसी ऑनलाइन प्रोग्राम नाफिज से तकरीबन 8 लाख से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हुए हैं। अमेरिकी सदर बाइडेन का कहना है कि साइबर हमलों में रूस मुलव्वस हुआ तो जवाब दिया जाएगा। लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG की कीमत में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र CNG एसोसिएशन ने अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें आइंदा का लाह अमल तय किया जाएगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी और फेस मास्क का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है और हाल ही में एक और तहकीक ने इसकी तस्दीक कर दी है। अदाकारा अलीज़ शाह सिर्फ अदाकारी बल्कि मुनफरद मलबूसात और फैशन ट्रेंड्स अपनाने के बायस ही खासी शहरत लगती हैं। अलीज़ शाह गुज़िश्ता स्टाइल अवार्ड तकरीब में पहने जाने वाले मगरब तर्ज के लिबास के बायस एक बार फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। COVID-19 की वैक्सीनेशन लाजमी हो चुकी है और हो सकता है जल्द ही इसका रिकॉर्ड आपके स्मार्टफोन में भी महफूज हो जाए। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल कौमी टीम को बड़ा धचका लग गया। तफसीलात के मुताबिक कौमी टीम के मिडिल आर्ट बैट्समैन हारिस सुहेल इंजर्ड हो गए। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली ने जहां कई खतरात को जन्म दिया, वहीं एक बहुत बड़ा खदशा साहली इलाकों को भी लाहक है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 केजी से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम अज कम 25 केजी की डिलीवरी सिर्फ $4 पर KG से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस एट 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जौहर टाउन धमाके के ताने बाने भारत से मिलने पर दुनिया के तमाम ममालिक से बड़ा मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश के हवाले से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि टीम को हिदायत की आज जो जौहर टाउन धमाके की तहकीकात पर कौम को तफसील फराहम करेंगे। पंजाब पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी महकमे ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, जिसको मैं सराहता हूँ। उन्होंने कहा टीम को हिदायत की आज जौहर टाउन धमाके की तहकीकात पर कौम को तफसील फराहम करें। पंजाब पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी महकमे ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, जिसको मैं सराहता हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों की बेहतरीन रबतों की तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि इन बाहमी रवाबित के नतीजे में दहशतगर्दों के आलमी रबतों की निशानदही हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी भारतीय सरपरस्ती में हुई। जौहर टाउन धमाके की मनसूबाबंदी और फंडिंग के ताने बाने भारत से मिलते हैं। इमरान खान ने मुतालबा किया दुनिया भारत की मजमूम हरकतों के खिलाफ आर्मी इदारों को मुतहरिक करे और इस किस्म की कार्रवाइयों पर कार्रवाई करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया को बताएंगे भारत किस तरह दहशतगर्दों को फंडिंग करता है। गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर जल्द उठाएंगे।
मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत की मकबूजा कश्मीर की पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मकबूजा क़यादत ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात में 5 अगस्त के इकदाम पर नाराजगी का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत माशी मुश्किल से दो चार है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, भारत अपने अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए ये इकदाम कर रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से बातचीत करते हुए वजीर खारजा का कहना था, हमने अफगान भाइयों की बेपनाह खिदमत की है, अब वक्त आ गया है कि अफगान महाजरीन अपने घरों को लौटें। उन्होंने कहा कि हम महाजरीन की खिदमत करते हैं, दूसरी जानिब अफगान हुकूमत हम पर इल्जाम लगाती है, अफगान महाजरीन की वापसी को अमन अमल का हिस्सा बनाना चाहिए। रवमा तकरीबन 1.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस पाकिस्तान पहुंचेंगी, जिसमें से 90% कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी हैं। वैक्सीन में मोडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, साइनोवैक वगैरह शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक EPI के ज़राए की जानिब से बयान में कहा गया है कि रवमा कोरोना वैक्सीन की भारी मकदार पाकिस्तान पहुँचेगी। रवमा, मोडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, साइनोवैक, कैनसाइनो, साइनोफार्म पाकिस्तान लाई जाएगी, जबकि पाकिस्तान को रवमा को वैक्सीन से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकपैक वैक्सीन के लिए भारी दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान पाकपैक के लिए खाम माल चीनी कंपनी कैनसाइनो से लेगा। गुज़िश्ता 4 रोज में 45 लाख कोरोना वैक्सीन डोजेज पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं और आइंदा 2 रोज में चीन से 20 लाख साइनोवैक डोजेज पाकिस्तान पहुँचेंगी, जबकि चीन से साइनोवैक की अगली खेप 20 जुलाई के बाद मिलेगी। ख्याल रहे कोवैक्स से 2 जुलाई को 25 लाख डोज पाकिस्तान को मिल चुकी हैं, जबकि गुज़िश्ता 48 घंटे में चीन से 20 लाख साइनोफार्म लाई जा चुकी हैं। जौहर टाउन धमाके कराने वाले शख्स का भारतीय एजेंसी रॉ से ताल्लुक बेनकाब हो गया। वफाकी वजीर इत्तला'आत और मुशीर कौमी सलामती ने आर्मी बरादरी से अहम मुतालबा कर दिया है। फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती ने IG पंजाब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जौहर टाउन में किए गए धमाके में भारतीय शहरी मुलव्वस पाया गया, जिसका ताल्लुक रॉ से है। फवाद चौधरी ने कहा कि साबित हो चुका है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में भारत का बड़ा हिस्सा है। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजबूत शवाहद मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की सपोर्ट कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने बताया कि एजेंसी में मरबूत रवाबित के जरिए मुजरमान तक पहुँचे। इसमें कोई अभियान नहीं कि धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं, कोई अभियान नहीं कि हमले का मास्टर माइंड कौन और फंडिंग कहाँ से हुई। मुशीर कौमी सलामती ने बताया कि कॉल रिकॉर्ड समेत भारत के किस बैंक से पैसे मुंतकिल हुए तमाम तफसीलात मौजूद हैं। भारत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तीसरे ममालिक से पैसे भिजवाए गए, वक्त आ गया है कि दुनिया दहशतगर्दी में मुलव्वस असल मुल्क की तहकीकात करे। मुईद यूसुफ ने कहा, जिस दिन धमाका हुआ उस दिन हजारों इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले हुए। जौहर टाउन धमाके के स्पॉन्सरशिप भारत से जुड़ी हुई है, हम भारत का असल चेहरा पहले की तरह दोबारा भी सामने लाएंगे। भारत कब तक कश्मीर से तवज्जो हटाने के इल्जाम लगाता रहेगा? ये कैसा ड्रोन हमला था जो भारत में हुआ और नुकसान भी नहीं हुआ? मुशीर कौमी सलामती का कहना था कि पाकिस्तान की कोशिशें आखिर तक रहेंगी कि अफगान मसले का सियासी हल हो। पाकिस्तान की तरजीह है कि पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल ना हो। दूसरी जानब पाकिस्तान की सरहद पर बाड़ लगाई है, जिसका काम तकरीबन मुकम्मल है। फैसलाबाद में नौजवान ने शादी से इनकार पर लड़की को वालिदा के सामने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान कॉलोनी के निजी अस्पताल में लड़की अपने वालिदा के साथ दवा लेने आई थी। लड़की दवा लेकर अस्पताल से बाहर आई तो गुलाम हुसैन ने इसे रोका और तकरार के बाद वालिदा के सामने ही लड़की को गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि गोली लगने से लड़की मौके पर ही जा बहक हो गई, जबकि मुल्जिम को वहां मौजूद गार्ड और शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से सयाहत के फरोग के लिए क्वेटा में टूरिस्ट शटल ट्रेन सर्विस का अफ्तिताह कर दिया गया। ट्रेन सर्विस बोस्तान और कोलपुर रेलवे स्टेशनों के दरमियान हफ्ते में 2 रोज चलाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। रेलवे की जानिब से सयाहत के फरोग के लिए क्वेटा में टूरिस्ट शटल ट्रेन का सर्विस अफ्तिताह कर दिया गया। ट्रेन सर्विस बोस्तान और कोलमपुर रेलवे स्टेशनों से दरमियान होते हुए हफ्ते में 2 रोज चलाई जाएगी। टूरिस्ट शटल ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर DS रेलवे क्वेटा डिवीज़न अख्तर महमूद खटक ने फीता काट कर किया। तर्जमान रेलवे के मुताबिक टूरिस्ट ट्रेन हुकूमत बलोचिस्तान की दरख्वास्त पर चलाई जा रही है। ट्रेन बोस्तान और कोलमपुर रेलवे स्टेशनों के दरमियान हफ्ते में 2 रोज हफ्ता और इतवार को चलाई जाएगी। ट्रेन सुबह 9:30 बजे क्वेटा से बोस्तान के लिए रवाना होगी। 11 बजे बरास्ता क्वेटा कोलपुर और फिर दोपहर 2:10 पर कोलपुर से वापस क्वेटा रवाना होगी। दौरान सफ़र ट्रेन बलैली, कचलाक, बोस्तान, सब्जिडिंग और कोलपुर रहेगी। इसके साथ साथ ट्रेन का किराया 20 से 50 रुपये पे दरमियान रखा गया है। टूरिस्ट ट्रेन चलाए जाने के बायस आज से 2 रोज़ के लिए चमन पैसेंजर नहीं चलाई जाएगी। इसके अलावा इससे कबल भी रेलवे की जानिब से मजीद ट्रेनें चलाई जाती रही हैं। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। खास रिपोर्ट तंजीम सईद के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ़ राज प्रेस क्लब में मुनक़िद हुई।
तकरीब के मेहमान खसूसी जिगर कोशा गजाली जमा सदर तंजीम सईद पंजाब अहमद सईद काजमी ने तंजीम सईद से हल्फ लिया। मलिक अब्दुल गफ्फार सईदी को तंजीम सईद हासिलपुर का सदर मुंतखब कर लिया गया। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। तंजीम सईद हासिलपुर के नौ मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बरदारी प्रेस क्लब में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी जिगर गोशा गजाली जमा सदर तंजीम सईद पंजाब अहमद सईद काजमी का प्रेस क्लब आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मेहमान खसूसी ने नौ मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया जिसमें मलिक अब्दुल गफ्फार सईदी को तंजीम अस सईद हासिलपुर का सदर मुंतखब किया गया। मेहमान खसूसी व दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि तंजीम अस सईद का हर कारकुन खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार है। लॉकडाउन की मुश्किल घड़ी में तंजीम अस सईद ने मुल्क भर में लाखों घरानों में राशन तकसीम किया। ये तंजीम कोई सियासी मकासद नहीं रखती बल्कि बिला तफरीक इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए तश्कील दी गई है जो पूरे पाकिस्तान में अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। तकरीब में कसीर तादाद में मुअज्ज़ज़ीन इलाका और सईदी बरादरान ने भरपूर शिरकत की जबकि आखिर में मुल्क की सलामती बका तामीर और तरक्की और कोरोना वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआ भी की गयी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी वज़ारत इंसाफ की जानिब से जारी होने वाले खुसूसी ऑनलाइन प्रोग्राम नाफिस से तकरीबन 8 लाख से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हुए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नाफिस नामी प्रोग्राम दरअसल वज़ारत इंसाफ का ई सर्विस प्लेटफॉर्म है जिस पर सारिफीन की जानिब से इस्तफार सामने आते हैं और इंतजामिया वजाहतें पेश करती हैं। मुमलिकत में नाफिस के जरिए 8 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें दरिंदा को खिदमात फराहम करेंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ारत इंसाफ की ई सर्विस मैनेजमेंट नाफिस में 8 लाख से ज्यादा दरख्वास्तों में 3,70,000 से ज्यादा अफराद या इदारे ई सर्विस के जरिए मुस्तफीद हुए हैं। ख्याल रहे कि वज़ारत इंसाफ की जानिब से ये निज़ाम आला कारकर्दगी और वक्त की बचत के साथ फरीकीन के लेन देन के हुकूक का तहफ़ करता है। ये प्लेटफॉर्म फरीक के हुकूक की बर वक्त बहाली के साथ साथ अदालतों से मुंसलिक मामला में मौसर साबित हुआ है। मुख्तलिफ इदारों के अफराद ने भी फायदा उठाया। ख्याल रहे कि इस प्रोग्राम का आगाज वज़ारत इंसाफ ने गुज़श्ता साल किया था। वो अफराद जो इस निज़ाम की खिदमत से फायदा उठाना चाहते हैं वो वज़ारत इंसाफ की वेबसाइट के जरिए रब्ता कर सकते हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि साइबर हमलों में रूस मुलव्वस हुआ तो जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाइडेन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। बाइडेन का कहना है कि आज बताएंगे कि रूस ऑपरेटर जिम्मेदार है या नहीं। तहकीकती एजेंसियों को हुक्म दिया है कि वो जिम्मेदारों की निशानदेही के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। ख्याल रहे कि अमेरिका में होने वाली ताज़ा साइबर हमलों में 1,000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां मुतासर हुई। अमेरिकी सदर का कहना था कि उन्हें अभी तस्दीक नहीं की गई कि इन हमलों में रूस का हाथ है, तहम इब्तदाई तौर पर ख्याल है कि इसमें रूसी हुकूमत मुलव्वस नहीं है। तहम अगर ऐसा हुआ तो मैं रूसी सदर से कहूँगा कि इसका हम जवाब देंगे। नजर आते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी की कीमत में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र सीएनजी एसोसिएशन ने अहम इजलास तलब कर लिया जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। एलएनजी पर जीएसटी में इजाफे में सीएनजी की कीमत में 18 से 30 रुपए का इजाफा मुतवक्का है जिस पर सीएनजी स्टेशन मालिकान ने अहम इजलास तलब कर लिया है। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कराची में तलब किया गया था जिसमें नई कीमतों के तारीफ और स्टेशन चलाने या ना चलाने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। ताजर एसोसिएशन के रहनुमा रियाज पराचा ने कहा कि सीएनजी की कीमतों में मुमकिन इजाफे के पेश नजर वफाकी हुकूमत से राबता किया ताकि मसले को हल किया जा सके। जरा के मुताबिक ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के अहदेदार ने इस बात पर इत्तफाक की अगर एलएनजी पर जीएसटी आयद किया जाएगा तो वो स्टेशन बंद कर देंगे। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी और फेस मास्क का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है और हाल ही में एक और तहकीक ने इसकी तस्दीक की है। हाल ही में बरतानिया में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक फेस मास्क का इस्तेमाल नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में नुमाया किरदार अदा करता है। बरतानिया के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की मुश्तरक तहकीक में फेस मास्क के असरात का जायजा 6 बरेआज़मों में लिया गया है।
फेस मास्क का इस्तेमाल कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए अहम तरीन रुकावट का किरदार अदा करता है और तजुर्बाती तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक इससे किसी के बात करने से बनने वाले ज़रात या हवा में मौजूद ज़रात की रोकथाम होती है। तमाम अब तक इस वबाई बीमारी के फैलाव पर इस असर का वबाई डाटा को मद्देनजर रखकर जायजा नहीं लिया गया था। तहकीकती टीम ने फेस मास्क के असरात का तजुर्बा किया जो अपनी तर्ज का सबसे बड़ा सर्वे था जिसमें 2 करोड़ अफराद और 6 बड़े आज़मों के 92 खितों का डाटा देखा गया। माहरीन ने माजी की तहकीकती टीम को भी तजिया किया। उन्होंने एक तकनीक को इस्तेमाल करके फेस मास्क पहनने और फेस मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी के साथ इन खितों में केसेस की तादाद से मुवाजना किया। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि अगर किसी खिते में सब लोग फेस मास्क का इस्तेमाल करें तो कोविड 19 के केसेस की शराह 25% तक कम हो सकती है। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि फेस मास्क के लाजमी इस्तेमाल की पाबंदी लोग पादरीज करते हैं और केसेस की तादाद में किसी इलाके में फेस मास्क पहनने की शराह की पेशनगोई भी की जा सकती है। शामिल करते हैं शोबिज और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अखबार। अदाकारा लीज़ शाह न सिर्फ अदाकारी बल्कि मुनफरद मलबूसात और फैशन ट्रेंड अपनाने के बायस भी खासी शोहरत रखती हैं। लीज़ शाह गुज़िश्ता शब स्टाइल अवार्ड तकरीब में पहुंचने जाने वाली मगरबी तर्ज के लिबास के बायस एक बार फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई हैं और इन्हें इस पर तनकीद का सामना करना पड़ा है। अलीज़ शाह ने स्टाइल अवार्ड तकरीब के लिए मगरबी तर्ज सियारम की नेट की मैक्सी का इंतखाब किया था जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया। सार्फिन का मानना है कि अलीज़ शाह मकबूलियत और शोहरत के सबब अपनी मासूमियत हत्ता के अपने लिबास को भी खो बैठी हैं। एक सार्फिन ने कायद-ए-आज़म की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, बानी पाकिस्तान से माजरत भी की और लिखा कि सॉरी कायद, हम खुद से शर्मिंदा हैं। वली खान नामी सार्फिन ने इमरान खान और अलीज़ शाह की पिक्चर पर लिखा, ये साबित करता है कि वज़ीर आज़म का बयान दुरुस्त था। एक सार्फिन ने अपने ट्वीट में हॉलीवुड के हमरा अलीज़ शाह की तस्वीर शेयर की और कहा कि अलीज़ शाह अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म साइन कर चुकी हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। कोविड 19 की वैक्सीनेशन लाजमी हो चुकी है और हो सकता है जल्दी इसका रिकॉर्ड आपके स्मार्टफोन में भी महफूज हो। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक गूगल ने API फॉर पॉज को अपडेट करके कोविड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को महफूज करने की सलाहियत का इजाफा किया है। गूगल ने चंद रोज कबल यह ऐलान किया था कि हम इसका मतलब नहीं, आप अभी अपनी वैक्सीनेशन कार्ड को अपलोड कर सकेंगे। API या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दुनिया भर के हुकूमती इदारों और तिब्बी इदारों के डेवलपर्स को वैक्सीन कार्ड या कोविड टेस्ट नतायज का डिजिटल वर्जन तैयार करने का मौका फराहम करेगी। गूगल ने बताया कि एक बार जब कोई साहिब कोविड कार्ड का डिजिटल वर्जन अपनी डिवाइस में महफूज कर लेगा तो वो डिवाइस की होम स्क्रीन पर शॉर्टकट के जरिए इस तक रसाई हासिल कर सकेगा। कंपनी ने बताया अगर किसी इंटरनेट सर्विस दस्तियाब ना हो या ऐसे खत्ते में हो जहाँ इंटरनेट सर्विस ज्यादा अच्छी ना हो तो भी इस कार्ड तक रसाई सार्फिन को हासिल होगी। आमतौर पर पासिस API गूगल पे वॉलेट के सार्फिन की जानिब से बोर्डिंग पासेस, लाइटी कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड्स, टिकट्स और दीगर महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मगर इस अपडेट के बाद गूगल पे ऐप इस्तेमाल ना करने वाले अफराद ही अपने डिजिटल कोविड कार्ड को डिवाइस में स्टोर कर सकेंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल कौमी टीम को बढ़ा धचका लग गया। तफसीलात के मुताबिक कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस वेहिल इंजर्ड हो गए। इंजरी के बायस उन्होंने कौमी क्रिकेट स्क्वाड के आखिरी दिनों पर प्रैक्टिस सेशन में शिरकत नहीं की। इंजरी के बायस हारिस वेहिल ने डर्बी में खेले गए इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस में भी हिस्सा नहीं लिया था। कौमी स्क्वाड के मिडिल आर्ट बल्लेबाज की इंजरी से मुतालिक PCB ने प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया कि हारिस की रिहाब का आगाज हो चुका है और इनका MRI स्कैन 6 जुलाई को होगा जिसके बाद इनकी पहले वन डे में शमूलियत का फैसला होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैच 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 8 जुलाई से कार्ड ऑफ से होगा। कौमी स्क्वाड कल डर्बी से कार्ड ऑफ रवाना होगी। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। सतह पर मौसमियाती तब्दीली ने जहां कई खतरात को जन्म दिया वहीं एक बहुत बड़ा खदशा साहिली इलाकों को भी लाहक है। तहकीक के मुताबिक आलमी हिदत बढ़ने की वजह से 2040 तक समंदर की सतह में 2 फीट का इजाफा होने का खदशा है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के कई साहिली शहर ज़ेरे आब आ जाएंगे। बज़ाहिर तो 2 फीट का इजाफा बहुत ज़्यादा नहीं लगता लेकिन दर हकीकत इसके असरात बहुत गंभीर होंगे। मसलन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के जनूबी इलाकों में मीठे पानी के दकायक तक रसाई ख़त्म हो जाएगी।
बज़ाहिर तो 2 फीट का इजाफा बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन दर हकीकत इसके असरात बहुत गंभीर होंगे। मसलन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के जनूबी इलाके में नीचे पानी के ज़खायर तक रसाई खत्म हो जाएगी। आलमी हिद्दत बढ़ने की वजह से निकासियात का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा और एक बहुत बड़ा इलाका मुस्तकिल सैलाबी पानी की जद में होगा, जिसके नतीजे में मियामी के शहर, साहिल और कई जजीरे का भी खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा चीन, भारत, मिस्र, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों में जहाँ बहुत बड़े दरियाए डेल्टा मौजूद हैं, वहाँ सतह समंदर में महज 2 या 3 फीट तक के इजाफे का नतीजा करोड़ों अफराद के नकल मकानी और बहुत बड़े पैमाने पर ज़रिए ज़मीन की तबाही की सूरत में निकलेगा। यानी मुस्तकबिल बहुत जानक हो सकता है, लेकिन दुनिया भर में एक ऐसा ही मुल्क है जो इस सूरत हाल का ना सिर्फ सामना कर चुका है बल्कि हैरत अंगेज तौर पर अब तक खुद को महफूज भी कर रहा है। ये है शुमाली यूरोप का मुल्क नदरलैंड, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं। जनवरी 1953 में बहर शुमार में मद्दो जजर के वजह से खतरनाक लहरों ने नदरलैंड के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी थी। तकरीबन 2000 अफराद की जाने गई, लेकिन इस वाक़े के तकरीबन 54 साल बाद एक मरतबा फिर यही सूरत हाल हुई तो नदरलैंड पहले से तैयार था। नवंबर 2007 में एक समंदरी तूफान के नतीजे में जैसे ही समंदरी सतह में इजाफा हुआ, जदीद कंप्यूटर सेंसर के कबल अज़ वक़्त इत्तला मिल गई और हंगामी इकदाम शुरू कर दिए गए। सिर्फ 30 मिनट में 240 मीटर के दो बहुत बड़े आहनी दरवाजे आपस में मिल गए और यूं इसे आबी रास्ते की तूफानी लहरों से बचाया गया, जिससे नेदरलैंड की अंदरूनी इलाकों में सैलाब आने की तवक्का थी। सुबह तक तूफान खत्म हो चुका था और इस गैर मामूली तूफान से बहुत मामूली सा सैलाब आया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपीटीवी ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो एट 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।